जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सरकारी पोर्टल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एयरपोर्ट भर्ती 2021 के बारे में, जहाँ पर एयरपोर्ट के डिपार्टमेंट से 2021 की सीधी भर्तियां जारी हुई हैं, जिनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इस वैकेंसी के लिए क्या एज लिमिट रहेगी, साथ में यहाँ पर आपको इस वैकेंसी के लिए आवेदन कहाँ से करना है, कैसे करना है, साथ में यहाँ पर आपका इस वैकेंसी के लिए सिलेक्शन कैसे होगा, सैलरी क्या दी जाएगी, सारी की सारी जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी केवल और केवल 10वीं 12वीं पास हैं और आप भी एयरपोर्ट के अंदर एक अच्छी सी पोस्ट पर सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पर अगर आपकी उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच होगी तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे, साथ में अगर आप लोग भारत के किसी भी राज्य में रहते होंगे आवेदन कर पाएंगे। साथ में इस वैकेंसी के लिए मेल एवं फीमेल यानी कि महिला एवं पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए सैलरी के बारे में, तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में सैलरी दी जाएगी लगभग 22,400 रुपये पर मंथ की। सो फ्रेंड्स, है काफी अच्छी वैकेंसी है, चलिए जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं इंडिगो एयरलाइन रिक्वायरमेंट 2021 के बारे में, जहां पर इंडिगो एयरलाइन के डिपार्टमेंट से 2021 के लिए भर्तियों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए क्या एज लिमिट रहेगी, क्या योग्यता रहेगी, साथ में यहाँ पर आपका इस वैकेंसी के लिए आवेदन कब से कब तक होगा, सारी की सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए ऑनिशन नेम के बारे में। तो यहाँ पर इंडिगो एयरलाइन के डिपार्टमेंट से वैकेंसी ने जारी है, जहाँ पर बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए पोस्ट नेम के बारे में। तो यहाँ पर ग्राउंड स्टाफ, कैबिन क्रू, सीनियर एग्जीक्यूटिव, साथ में यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, कस्टमर सर्विस, फ्लाइट डिस्पैचर एवं अदर पोस्ट, साथ में और भी विभिन्न सारे पदों पर भर्ती होने जा रही है। जहाँ पर बात करेंगे इस वैकेंसी के लिए अप्लाई मोड के बारे में, तो ऑनलाइन का रहेगा। बात करेंगे यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए हु कैन अप्लाई, तो यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। साथ में इस वैकेंसी के लिए मेल एवं फीमेल यानी कि महिला एवं पुरुष दोनों आवेदन कर पाएंगे। बात करेंगे यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाली। बात करेंगे यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए एज लिमिट के बारे में, तो यहाँ पर अगर आपकी उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच होगी तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं एज में छूट की बात की जाए तो एज पर गवर्नमेंट रूल यहाँ पर एसिस्ट के लिए 5 वर्ष की तथा ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे इस वैकेंसी के लिए आपके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन केवल और केवल इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पर अगर आप लोग केवल और केवल 10वीं 12वीं ग्रेजुएट डिप्लोमा पास होंगे तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। बात करेंगे यहाँ पर अगर आप लोग इस वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहेंगे तो यहाँ पर आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट अनिवार्य रहेंगे, तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, साथ में एजुकेशन सर्टिफिकेट, साथ में पासपोर्ट साइज का फोटो सिग्नेचर, ये सारे डॉक्यूमेंट अनिवार्य रहेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए पे स्केल के बारे में, तो यहाँ पर आपको सैलरी दी जाएगी लगभग 22,400 रुपये से लेकर 69,100 रुपये पर मंथ की। सो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इस वैकेंसी के लिए आवेदन करने का लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, जहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।